अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र ईटा सांसद राजवीर सिंह राजू के कथित बयान से आक्रोशित हैं। ईटा सांसद के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने एएमयू छात्र सिविल लाइन थाने पहुंच गए और तहरीर भी दी। एएमयू छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि एक हफ्ते में ईटा सांसद के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो एएमयू के बाबे सैयद गेट पर भगवा झंडा जलाएंगे। कासगंज दंगे को लेकर एक वीडियो इस समय तेजी से कैंपस में वायरल हो रहा है, जिसमें ईटा सांसद राजवीर सिंह राजू पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन का कहना है कि ईटा सांसद ने मुसलमानों को आतंकवादी कहा है। वीडियो में राजू भैया से सवाल पूछा गया कि मस्जिद की छत से फायरिंग हुई है, क्या कहेंगे कि इस कासगंज में कोई आतंकवादी संगठन पहले से सक्रिय है। इसके जवाब में राजू भैया ने आपत्तिजनक बयान दिया था। फैजुल का कहना है कि सांसद के इस बयान से मुस्लिम समाज में रोष व्याप्त है, जिसे लेकर एएमयू छात्र सिविल लाइन थाने पहुंच गए और राजू भैया के खिलाफ तहरीर भी दी। छात्रों का कहना है कि पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। एएमयू छात्रों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि एक हफ्ते में कार्रवाई नहीं हुई तो एएमयू के बाबे सैयद गेट पर भगवा झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, संसद एवं यूएनओ में भी पत्र लिखेंगे। ऐसा जो कासगंज जो जला, बल्कि 26 जनवरी को जो कासगंज में हिंसा हुई थी, आपस में हिंदू और मुस्लिम हुआ था तिरंगा यात्रा को लेकर, और उसमें राजू भैया पहुंच जाते हैं जो यहाँ के एटा के सांसद हैं राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया। उन्होंने हमारा कह के, चंदन को हमारा कह के, एक कम्युनिटी को आपने पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया, जबकि चंदन के लिए हमारे दिल में भी उतनी ही है जितना और बाकी लोगों के लिए था। अकरम और चंदन हमारे लिए बराबर है। अकरम की आंख गई है, उसका भी फ्यूचर खराब है। एक आदमी को जो नौशाद है उसके पैर में लगी है, एक जो कूड़े की ढेर पे मिला है अभी 8 दिन से वो एडमिट है और उसको भी वेंटिलेटर पे है और उसको भी होश नहीं है। लेकिन उसके बाद जब माहौल बदलता है वहाँ ये ऐलान करते हैं और बाकायदा मीडिया के सामने जब रूबरू होते हैं तो मीडिया में बयान देते हैं कि मुस्लिम जो है वो आतंकवादी हैं। अब ये बता दीजिए, हिंदुस्तान के हम भी उतने ही नागरिक हैं जितने राजू भैया हैं एक MP, हिंदुस्तान के उतने ही बराबर के नागरिक हैं जितने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं या योगी आदित्यनाथ हैं। भारत के पूरे हम एक मूल निवासी हैं यहाँ के, हम लोग इस जो है हिंदुस्तान के उतने ही बराबर के कॉन्स्टिट्यूशन का हक रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे उतना ही भरोसा रखते हैं, पार्लियामेंट पे उतना यकीन रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पे हम जो है भरोसा करते हैं। ये बताइए कि अगर ये लोग कर रहे हैं और बाकायदा जो है उन्होंने बोला है और हमने साक्ष के साथ आज जब FIR करने हम यहाँ अलीगढ़ के सिविल लाइन में जो कि हमारा सबसे करीबी आना पड़ता है FIR कराने पहुँचते हैं तो FIR लेने से मना कर देते हैं, रिसीव करने से मना कर देते हैं, कहते हैं हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। यानी कि कासगंज में हम जाए FIR कराने, अगर हिंदुस्तान में कहीं हमारे साथ कुछ हो रहा है और उसकी FIR हम अपनी जगह पे नहीं कर सकते, जबकि ये बाकायदा सब कुछ है, कानून है, बाकायदा है, सब पूरा प्रूफ है, सारे चीज़ है कि हम FIR कहीं भी लॉन्च कर सकते हैं। भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने अगर बयान दिया था तो पूरे हिंदुस्तान में हुआ था, या किसी ने कोई बयान दिया था तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में। हमारा यही कहना है कि मीडिया के माध्यम से, कि पूरे हिंदुस्तान के माध्यम को मैं बताना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये FIR हमारी क्यों नहीं ली जा रही है, रिसीव क्यों नहीं की गई। FIR लिख के हमने दे दिया है, रिसीव कराया है और हम ये चाहते हैं हिंदुस्तान की सरकार को ये बात पहुँचनी चाहिए मीडिया के माध्यम से और बाकी लोगों को, और इनकी जो सांसद जी ने बोला है हिंदुस्तान के कि मुसलमानों के बारे में बोला है, सेंटिमेंट को हर्ट किया है, आस्था के हमारे जो है हनन पहुंचाया है, इनकी जो है सांसद और बल्कि हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कहते हैं और लोकसभा स्पीकर से, उनका अध्यक्ष से, कि इनको फौरन जो है बर्खास्त किया जाए, इनकी सदस्यता बर्खास्त की जाए, क्योंकि यही हमारा हिंदुस्तान लेके आए थे मामला कासगंज में। राजू जी एटा के जो सांसद हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा भड़कालू बयान दिया और डायरेक्ट मुसलमानों को आतंकवादी बोला, उसके लिए हम थाने में आए जो कि हमारी FIR लेने को साफ साफ मना कर दिया। तो आज हम प्रशासन को बिल्कुल खुली चेतावनी दे रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर अगर राजू जी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बाबे सैयद पे हम भगवा जलाएंगे, क्योंकि भगवा जलाने का मेन उद्देश्य है, लोग कहते हैं भगवा पवित्र है, हम भी कहते हैं भगवा पवित्र है, लेकिन भगवा की आड़ में जो आतंकवादी जो ये भगवाधारी गुंडे ही फैला रहे हैं इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर भगवा हम जलाते हैं, अगर भगवा हम बिल्कुल जलाएंगे, और भगवा जलाने के लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार होगी वो BJP और प्रशासन होगा अगर इन्होंने राजू सिंह के खिलाफ कोई भी FIR लॉन्च नहीं की तो। एक हफ्ते की हम मोहलत इनको देते हैं। अलीगढ़ से सिविल लाइन थाना क्षेत्र से इस खबर की कवरेज के लिए प्रकाश सिंह, AB Live News, अलीगढ़।